पहुंच गए हैं राजा राम के मंदिर में। ये खुलता है 8 बजे, अब ये खुलने वाला है, थोड़ा सा समय बाकी है। देखो इसका नज़ारा कितना अच्छा है, राजा राम का मंदिर है ये। ये साइड में दुकान है मिठाइयाँ की, प्रसाद चढ़ता है वहाँ पर राजा राम के मंदिर में। कितने का दे रहा है ये प्रसाद? ले लिया है प्रसाद, जा रहे हैं मंदिर में। राम का हाथ अलग लग गया है, तेरे भी लग गया है। राजा राम का मंदिर कितना प्यारा है मध्य प्रदेश में। ये मंदिर में जा रहे हैं। चाची किधर है, क्या की? ये ले लिया है हमने प्रसाद। तू टोकरी का ना ले आई थी? ये है मंदिर, अभी कपाट खुले नहीं है, 8 बजे है। ये सब मारी बस की बैठे हैं आगे। ये भी मंदिर है कि महल है? महल महल है ये राजा का, राजा राम का महल। और इसके सामने है राजा राम का मंदिर, अभी कपाट नहीं खुले हैं। बैठ गए हैं, आके पहुंच गए हैं मंदिर में। खुल गया है कपाट। राधे राधे, राधे राधे। सारी यूट्यूब फैमिली ने उम्मीद करा सारे ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। हम पहुंच गए हैं भीम कुंड, जो छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये है भीम कुंड। यहाँ पे हमने कर लिया है स्नान। हम पहुंच गए थे 4 बजे तक, पहले बहुत अंधेरा था, थोड़ी सी जंगल में है बिल्कुल। सब डर रहे थे कदे कुछ हो जा, बहुत अंधेरा है भगवान, बहुत ज्यादा अंधेरा था। अरे बात आपने सब कुछ दिखाती हूं। भीम ने अपनी गदा से उस गदा मार के पानी निकाला था, इसलिए इसका नाम भीम कुंड पड़ा था। भीम कुंड हरिद्वार में है, भीम गोड्डा वो गोड्डा मार का काढ़ा था, ये है गदा मार का काढ़ा था। गदा भी टूट गई थी गदा, हाँ पाताल में है ये। पाताल में हम पाताल में पहुंच चुके हैं, नीचे जाएंगे वहाँ पे पाताल है। अगर उसमें नाते से मैं कोई गिर गया ना तो पाताल में ही जाएगा सीधा, इसलिए हम दर्शन कराएंगे, दर्शन कराएंगे। हाँ जी बैठ के बताओ आप। पंडित जी बोलो आप। पांडवों ने अज्ञातवास लिया 1 साल का, तो विराट नगरी में 1 साल बिताया था, तो वहाँ दुर्योधन का पहले था कीचक। हाँ। उसने है जो द्रौपदी का हरण किया था और लेके भागा था इधर को। हाँ। तो द्रौपदी उससे कहती है कीचक से, तूने युधिष्ठिर का भाला नहीं देखा, अर्जुन का बाण नहीं देखा, भीम की गदा को नहीं देखा। हाँ। तो भीम दौड़ते पीछे आ रहे थे, तो उनने उस रथ में वो गदा मारी, आगे बढ़ गया रथ, जमीन में काल फूट गया। अच्छा जमीन में, मतलब गदा मारी ऐसी? हाँ, रथ में मारी गदा। अच्छा रथ समेत तो रथ आगे बढ़ गया। हाँ जमीन में खली वो गदा, तो अच्छा। पाताल फूट गया, इसलिए पाताल फूट गया। ये पाताल में है ये, इसलिए भीम ये कुंड पाताल लोक में। कॉन्टेक्ट समुद्र से है, या समुद्र में सुनामी लहरें आती हैं तो इसमें भी है। अच्छा इतना कुछ है, चलो आगे दिखाती हूँ तो सबको। कर लिए है, जोत लगा दी है, ये हनुमान का मंदिर है। पहुँच गए है भीम कुंड, ये है आश्रम। पंडित जी ले आए हैं आश्रम में, हमने भीमकुंड के आश्रम में। ये है ना है? ये जैसे मतलब पंडित जी क्या है, ये आश्रम, ये मतलब ऐसी ऐसी चीजें छुप रही हैं, शास्त्रों में ही बताया है इनका, जो कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों में है। वैसे नहीं पता सब कोई चीज का, ये चीज यहाँ पे है। पाताल से कनेक्ट है? हाँ पाताल से, समुद्र से भी। कोई था ही नहीं है कहाँ से। हाँ ये है आश्रम, आज तक कोई दिखाया नहीं होगा। और हम पंडित जी ने ले आकर पटक दिया यहाँ पे 2:30 बजे। अरे पटक दिया 4 बजे। 4 बजे और इतना अंधेरा था बहुत ज्यादा। अरे इन्हें कर लिया, ये इनके आश्रम है, ये देखो कितना बड़ा है। Thank you.
चलो ए नीचे पाताल में चलते हैं, दर्शन तो कर आओ और सब क्या करवाते हैं दर्शन। चाची ने तो चक्कर आओ हैं, आ जाओ एवं आपको दिखाते हैं पाताल। ये है पाताल, देखो इनका जो कुछ है वो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वैसे किसी को नहीं पता है, इसका ज्ञान जो शास्त्र पढ़ता है उन्हीं को पता है। आप स्नान कराए, ये पाताल में करकाई है स्नान। ये और देखो पाताल, जो हम पाताल में जा रहे हैं नीचे, सच में ही पाताल में है ये तो। ये देखो हम तो सच में ही पाताल में चले गए हैं, और ये लिख रहा है भीमकुंड, भीम जल पाताल का। ये देखो पाताल में है ये भीमकुंड, और देखो पहाड़ कैसे रस रहे हैं, पानी टपक रहा है पहाड़ों से जैसे बारिश आ रही है। ये देखो इतने नीचे है ये जाकर पाताल। ये देखो कोई बात ना, उड़न आ लिए कोई ना। ये है कुंड, कितना प्यारा है। भीम कुंड की जय, पाताल लोक की जय। ये पाताल से है, सच में ही पाताल में बहुत सीढ़ियां उतर के आए हैं नीचे। यहाँ पे द्रौपदी की प्यास बुझाई थी भीम ने गदा मार के, जब ये निकाल लिया था पानी, और सूरज देखो इसमें से दिखाया था, ये जो यो दिख रहा नहीं, यो इसमें से द्रौपदी ने सूरज देव के दर्शन करे थे। यो बीच में तो जो पहाड़ हो रहा है, ऐसे पहाड़ चीर कर जब दर्शन करे थे द्रौपदी ने, यो दिख रहा है जो इसमें से दर्शन करे थे। आपको घर बैठे सब कुछ दिखा रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह सबको सबसे नहीं आया जाता, ये कोई कर्म होता है जो ऐसी जगह आते हैं। और ये बात वैसे नहीं पता सब ने, ये शास्त्रों में लिख रखी है, पंडित जी पढ़ते हैं शास्त्र और शास्त्रों में इनका इनके बारे में सारी बातें लिखी हुई है, इसलिए पंडित जी हमने लेकर आए हैं। मछली कितनी है कुंड में, छोटी 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 कितनी मछली है, और ये सब नाक है ना जान लाग रहे है ऊपर, हरम भी नाक है। रुक जा मैं, शिव के दर्शन। ये है पाताल में शिव के दर्शन। श्री शिवाय नमस्तु। देखो पाताल में इसमें नहाए हैं, है कमलेश थोड़ी साइड होगी, इसमें नहा लिए हैं हम। ये रहा कुंड, और ये द्रौपदी माँ ने बताया था अभी अभी दर्शन करे थे सूर्य देव के, ये यहाँ से ये काट रखा है, काट रखा है भीम ने, गदा मारी थी ये दर्शन के लिए था, गदा मारी के लिए जन्म लिया था। ये पाताल में है, पाताल में है कोई तो कह रही हूँ यार, पता नहीं क्यों नीचे जा रही है, पाताल में जाना चाहोगे। वाह ये देवा गई जा गई, देखो वाह एक औरत देख कैसे सस अंदर जा रही है, आ रही है पाताल से ना के। ये कुंडा को मर गया, ये है भीमकुंड धाम, सब जाली चलो नरी ऊंचाई पे है, कितने ऊंचाई पर चढ़ रहा है। देखो कितनी सीढ़ी दिखाई थी, चढ़ गए हैं सास चढ़ गए, हर देख नहीं है ना कमलेश कैसे सास चढ़ आ रही है, चढ़ गए हम थोड़ा हरे हरे हर सी माता के दर्शन करेंगे और आपके करवाएंगे की जय। ये है माता रानी के दर्शन, जो इतनी ऊंचाई पाए हम हो गए हैं दर्शन माता रानी के। कौन सी माता है ये की मनोकामना पूरी। ये मंदिर के पीछे का नजारा है, सूरज देवता छुप गए हैं एक बार दिखाई दे के, ये देखो पीछे का पूरा जंगल ही जंगल है। पाए हम जय माता की, जय बोल भीमा देवी मैया की जय।
देखो वहाँ से वीडियो बना रहे पीछे की जैसे तो वाह हमारी गाड़ी वाह खड़ी वहाँ पे इतनी ऊंचाई पा रहे हैं हम दर्शन करके जा रहे हैं। मतलब ये मैं कैमरे में कम दिखाई दे वैसे दिखाई दे रही हो रही दिमाग भी यूज कर लिया करो आड़ थोड़ी है ए यारी उड़ा है ए यू घुमाना पड़ेगा ए यारी रास्ता दे दो यारी बस उतर आए हैं बुआर ने करवा दिया हमारे दर्शन। हेलो जय माता की भक्तों को नमस्कार सब आओ दर्शन करने आ रहे हम सारे आए हैं भीमा देवी मंदिर। हाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए थोड़ा कष्ट है लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। कष्ट तो हर एक वैसे भी जिंदगी में कष्ट है फिर भी चल रहे हैं। देखो इनका मास्टर देखो कितना छोटा सा है ये सब पढ़ रहे हैं। ये हॉस्टल में रहते हो हॉस्टल में मतलब पढ़ाई किस टाइम होती है बस अभी होगी पूरा दिन फ्री नहीं अभी बाल भोग चालू होगा 8 बजे आरती होगी उसके बाद थोड़ा बाल भोग होगा। अच्छा जिसके बाद थोड़ा 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ाएंगे। अच्छा फिर सब दिल्ली जाओगे पढ़ लिख के नहीं अपना अलग अलग जगह जाने। हाँ ज्यादातर पूजा पाठ दिल्ली में ही है हम दिल्ली से ही आए हैं है? बनारस में भी है भाई कितनी अच्छी सोच है बनारस जाएगा। हाँ ये इनका टीचर है आओ टीचर जी ये है टीचर ये पढ़ाता है प्रेयर करा रहे थे ये है टीचर जी क्या बोलते हैं प्रेयर को ये हमारे हैं सुदामा जी सुदामा जी से दर्शन करो सुदामा की जोड़ी है दोनों की गुरुकुल में पढ़ते हैं ये गुरुकुल में ये टीचर है ये सुदामा जी है। चिड़िया करा प्रवर्तन्ते तावत्तुं सुखी भव स्वस्थ कल्याण हर हर महादेव।